हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल मीत सर मैथ्स। उम्मीद है तुसी सारे ठीक होवोंगे। तुहाडी जिहड़ी सितंबर दे एग्जाम्स ने उन्हां दी प्रिपरेशन वधिया चल रही होएगी। अज 10th क्लास दे लई जो मैथ सब्जेक्ट दा एग्जाम है उस दे लई सैंपल पेपर 5th पंजवां सैंपल पेपर आपां हुण सोल्व करांगे। 4 सैंपल पेपर तुहाडे लई सोल्व कर दित्ते ने, उन्हां दी वीडियोज़ अपलोड कर दित्तियां ने, उन्हां नूं तुसीं जाके देख सकदे हो। हुण पंजवां सैंपल पेपर सोल्व करन लगे हां आपां। हाँ जी, जेकर अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां इस नूं हुणे सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशनस टैप कर दिओ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ। ਗੁਣਖੰਡ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 3 × 6 6 × 3 = 18 ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ 6। ਨੈਕਸਟ 96 ਅਤੇ 404 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 96 ਅਤੇ 404 ਦਾ HCF। हाँ जी ये कढ़ना आपां। देखो जड़ा है HCF ओह संख्यावां चों वड्डी संख्या दे बराबर नहीं हो सकता, कदे भी आ नहीं आंसर आ सकता, ना उहनां दी गुणा तो आंसर आ सकता। सो 4 या 8 दे विच्चों होगा, जेकर 8 ते दोनों डिवाइड हुंदे तां 8 होगा। 12 × 8 = 96 डिवाइड हुंदा, ये 8 ते हुंदा 404, 8 × 5 = 40, फिर 4 बाकी नहीं हुंदा ये डिवाइड। सो इहदा मतलब 4 इसका आंसर आऊगा, 4 ते दोनों होणगे। नैक्सट 2 घाती बहुपद दिता है तो -b/a किहदे बराबर हुंदा, सिफरां दे जोड़ दे बराबर, सिफरां दा जोड़फल सम ऑफ जीरोज़। नैक्सट डायग्राम तो ग्राफ तो देखना है कि किन्नियां सिफरां होणगियां किन्नियां जीरोज़ होणगियां, 4 जीरोज़ होणगियां। नैक्सट इक्वेशनस दा पेयर दिता होया किस तरह दियां रेखावां होणगियां, a1/a2, 1/3 ਅਤੇ b1/b2, -2/4 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ -1/2 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। a1/a2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1/b2 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, x-y ਬਰਾਬਰ 4 ਅਤੇ x+y ਬਰਾਬਰ 14, 2x = 18, x ਆ ਜੂਗਾ 9 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਆ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, y ਆ ਜੂਗਾ 5, 9 ਅਤੇ 5। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, d(b²-4ac), ਬੀ ਹੈ 7, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ -4 × ਏ ਹੈ 1 × ਸੀ ਹੈ 10, 49 - 40 9 ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ AP ਦੇ ਐਨ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਐਸ ਐਨ ਆ ਤਾਂ ਐਨਥ ਟਰਮ SN-SN-1 ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਕੇ ਪੀ ਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ, ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ 2 ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰੂਪਤਾ RHS, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ 9th 'ਚ ਕੀਤੀ, 7th 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਗਰੂਐਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ DE ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ 1.5 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 3 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ 1 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 2 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ 2 ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ 20 to 30 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ, ਆਹ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 20। PE ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, PE ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, PE ਨਹੀਂ।
वन दे विच्चों इनू कटा दांगे 0.05 नू 1.00 0.05 एवें माइनस करना बई याद रखियो एक दे मगर पॉइंट लगा के जीरो लगा लेनिया ने। हाँ जी इतों कैरी करेगा इतने जीरो इतने दस चो फिर नौ रह जाएंगे फिर दस दस चो पाँच कटे पाँच 9.00.95। नैक्सट सही गलत रूट थ्री कहता एक परमेय संख्या नहीं है इज नॉट अ रैशनल नंबर ए ट्रू आ गया। नैक्सट है किसी तीन घाती बहुपद के वो तीन सिफर हो सकते हैं क्यूबिक पोलीनोमियल हैज मैक्सीम 3 0 से भी ट्रू है। हाँ जी नैक्सट तो दो इक्वेशनस ने आ चीज़ दी हुई है तो इसका कहना विलक्षण हल यूनीक सोल्यूशन होंगे बिल्कुल ट्रू है ये। नैक्सट डिस्क्रिमीनेंट का कहता आ फॉर्मूला होंगे बिल्कुल ठीक है भी ट्रू है। एपी कहता यदा सांझा अंतर -4 है। देखो आप देख रहे हैं कि दो का फर्क है इस दो का तो सांझा अंतर 2 है पर वो कह रहे हैं कि -4 है तो यह फॉल्स हो गया। सारे वर्ग समरूप होंगे ऑल स्क्वेयर आर सिमिलर ट्रू। किसी प्रयोग के होने की वो संभावना 1 होंगी है बिल्कुल ठीक है जी ये भी ट्रू है। नैक्सट 6 ते के नूं भर के तो उत्थों के की वैल्यू कढ़नी है आपां इत्थे 6 आ जूगा इत्थे के आ जूगा 6 जाके उधर घट जूगा तो की आ जूगा अपने कोल के बराबर 22 -6 बराबर 16 16 आंसर आ जूगा। सैकेंड आ एक की है अपरिमेय संख्या ये 9th क्लास आए सी क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो ना ही खत्म हो रहा है नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये तो यह अपरिमेय होंगी है इररैशनल नंबर। किसी निश्चित घटना की संभावना श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होंगी है। दो घाती बहुपद विच अल्फा ते बीटा सिफर ने यानी 0 ने तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कि इक्वल होंगे है -b/a। तो ए पी की फस्ट टर्म ए दिती हुई है तो कॉमन डिफरेंस डी दिता है तो इसका दूसरा पद की होएगा 10 ते 10 20 होएगा 20 आ जाएगा। सारे चक्कर समरूप होंगे सिमिलर अंकड़े ने ऑब्जरवेशनस ने उन्होंने बोलक यानी कि मोड पूछा है 2 2 2 2 आया 3 बार कोई होर 3 बार आया नहीं सो 2 आएगा इसका आंसर। अगे अपने को 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनस आ गए इनका एच सी एफ दिता हुआ तो एल सी एम पता लगाना है एल सी एम का फॉर्मूला होंगे अपने को प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ओवर एच सी एफ यानी कि संख्यावान का गुणनफल बटे एच सी एफ हमने 360 मल्टीप्लाई 657 ओवर 9 ये पिछले ज भी किया जी शायद हाँ 9 7 9 7 63 2 9 3 27 73 ते 36 की मल्टीप्लीकेशन 6 3 18 6 7 42 43 33 9 7 21 8 9 10 11 12 1 4 5 6 26 280। नैक्सट दो घाती बहुपद दीआं सिफरां दा जोड़फल ते गुणनफल एस आ दिता पी आ दिता तां बहुपद होएगा अपने कोल यानी कि पोलीनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्केयर -SX+P के एक्स स्केयर -4X+P-1 तो उन्होंने फिर एवं लिख लाँगे के स्केयर -4X+-1 ये आंसर आ जाएगा। कहिंदा एक ताश की गुट्टी दे विच्चों पत्ता बाहर कढ़े संभावना लाल रंग का होवे रैड कलर का कार्ड। हाँ जी पहला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे तुसीं अनुकूल नतीजे की संख्या बटे नतीजे की कुल संख्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फिर इत्थे रेड कार्ड होंगे 26/52 कटिंग करके हाफ आ गया। हुक्म यानी के स्पेड हुक्म दे 13 पत्ते होंगे 13/52
एक बटे चार आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एक पासा यानी कि डाइस है जोड़ा वो सुटिया गया है प्राइम नंबर ते, एक किसे सैंपल पेपर च किया सी। सो मैं डायरेक्ट इधर वो कर दिना फॉर्मूला, पहले लिख लेना तुसी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज संख्या, तीन होंगे ने अभाज, दो तीन ते पांच पहले छे दे विच्चों। सो थ्री ओवर सिक्स कटिंग करके वन बाय टू। तो अगला है टांक संख्या, पी टांक संख्या वो भी तीन होंगे ने एक तीन पांच यानी थ्री ओवर सिक्स वन ओवर टू। हाँ जी, दो दो वाले हो खत्म आ गए। आप चार चार वाले क्वेश्चंस से इक्वेशन दिती है उसनों सोल्व करना है। तीन डी कटते हैं पहला, यदा आप बी स्केयर माइनस फोर ए सी, माइनस फाइव द स्केयर माइनस फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई थ्री, पच्ची माइनस चार ती बारह आ जाएगा तेरह। इस तो बाद एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर टू ए आ हुंदा अपने कोल माइनस ऑफ माइनस फाइव, आह माइनस फाइव तो आ फार्मूले वाला माइनस, प्लस माइनस रूट डी जो कि है तेरह बटे दो गुणा ए, ए हैगा एक अगटे जाएंगे फाइव प्लस रूट थर्टीन ओवर टू ते फाइव माइनस रूट थर्टीन ओवर टू ये आंसर आ जाऊ अपने कोल। हाँ जी, नैक्सट दो संख्यावान पता करो जिन्हों का जोड़ सताई है गुणनफल एक सौ बयासी हो। आप एक सैंपल पेपर च कर लिया होया ऑलरेडी ऑलरेडी डन, सो इन आप हम दोबारा नहीं करा। दो लगातार संपूर्ण संख्यावान जिन्हों का गुणनफल आई थिंक ये भी किया। चलो खैर, लेट नंबर्स मान लो संख्यावान एक्स ते एक्स प्लस एक, हुण इन दा गुणनफल दिता उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार एक्स गुणा एक्स प्लस एक बराबर एक सौ छपंजा। ब्रैकेट खोलते हैं एक्स स्केयर प्लस वन एक्स बराबर एक सौ छपंजा, एक्स स्केयर प्लस वन एक्स माइनस वन फिफ्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। हुण इहनूं या तां डी वाले नाल कर लीए या इहदे फैक्टर बना लीए। हाँ जी, ये फैक्टर्स 12 ते 13 होणगे तो उन्होंने यूज़ करते हैं एक्स स्केयर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 12 इंटू 13 इक्वल टू जीरो। इन दोनों चो एक्स कॉमन एक्स प्लस 13, इन दोनों चो माइनस 12 कॉमन एक्स, माइनस बाहर चल गया तो अंदर प्लस ते 12 बाहर चल गया तो इत्थे 13। सो एक्स माइनस 12 तो एक्स प्लस 13 इक्वल टू जीरो, तो इतों एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 13 इक्वल टू जीरो। इतों एक्स आ जाएगा 12, इतों एक्स आ जाएगा माइनस दे 13। लगातार संपूर्ण संख्यावान जिन्हों का गुणनफल, सो नंबर्स 12 ते 12 प्लस 1 यानी कि 13 आ हो सकते हैं, इसलिए संख्यावां और जहाँ की हो सकता माइनस 13 ते माइनस 13 प्लस 1, माइनस 13 ते माइनस 12 इतों भी हो सकता है आंसर अपने कोल। हाँ जी, अगे आ जी आप क्वेश्चन नंबर 10 ते। ये कहना मूलों की प्रकृति का पता लगाओ, जेकर मूल संभव ने तो उन्होंने पता लभो भी। हाँ जी, आई थिंक किया है 36 माइनस 3 दुनी 6, 6 दुनी 12 24। हाँ ये किया हो जी, ये पिछले सैंपल पेपर से किया हो, उतो तुसी इनू कर सकते हो। सो ऑलरेडी डन। हाँ जी, अगे 31वां पद पता करो जिसका 11वां ते 16वां पद, ये भी किया है क्वेश्चन।
एक सैंपल पेपर से रेडी ऑलरेडी किया हुआ, इनू भी सवे भी नहीं करा आप। तीन अंक वाली किनिया संख्यावें ये भी रिपीट है, ये भी ऑलरेडी किया एक सैंपल पेपर दे। नवा क्वेश्चन है जी, ये करा आप। 1995 5000 रुपए की सालाना तनखा से काम शुरू किया, सो ए पी शुरू होएगी 5000 तो, फिर 200 200 200 रुपए वधे रहे, आ अपनी ए हो जाएगी, तो डी 200 हो गया, तो ए एन दिता है अपन किस साल उसकी आमदन 7000 रुपए तक पहुँच गई, तो एन पता करना है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, 7000 इज इक्वल टू ए पूरे प्लस 5000 प्लस एन माइनस वन डी हैगा 200, इधर आके माइनस हो जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस वन गुणा 200, सो 2000 बटे आ 200 बराबर एन माइनस एक, 2 जीरोस 10 आ जाएगा, एक आके जुड़ जाएगा, एन बराबर 11वें साल 11th ईयर। हाँ जी, 8 के पहले 15-50 का सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ऑलरेडी डन, सो इनू आप नहीं करांगे, आ कर लें। ये आप कुछ होर स्टेटमेंट लैके किया, चलो इनू कर लें। आप ए है अपने को 34, डी है देखो घट रहा है 32 चो 34 घटा के माइनस 2, तो ए एन हैगी है अपने को 10, तो पहला एन लभांगे फिर जोड़ पता करांगे। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन है अपने को 10, ए 34 प्लस एन माइनस वन डी है माइनस दे 2, इधर आजूगा 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस दे 2 माइनस दे 24, माइनस 2 दे हेठा आजूगा उधर एन माइनस 1 12, एन बराबर 12 प्लस 1 13। तो हम एस एन का फार्मूला एन ओवर 2 ए प्लस, क्योंकि ए एन भी हैगी अपने को, ए प्लस ए एन वाला ला लाँगे, 13 बटे 2 ए हैगी 34 प्लस ए एन हैगी 10, 13 बटे 2 गुणा 34 से 10 44 कटिंग 22 बई तो 13 की गुणा 13 दुणा 26 6 तो 8 286 ये आंसर आजूगा अपने को। हाँ जी, अगे आ गए आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन से, पड़ताल करो कि इक्वेशन का जोड़ा पेयर है यह कंसिस्टेंट है, जे कंसिस्टेंट है तो उन्होंने सोल्व भी करना है आप। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जोड़ा यह बिल्कुल पहला सैंपल पेपर आप सोल्व किया, सेम क्वेश्चन हैगा सी फस्ट सैंपल पेपर दे विच, तो यह किया हुआ सेम क्वेश्चन वो फस्ट सैंपल पेपर से, सो ये ऑलरेडी किए हुए आप। हाँ जी, उस तो बाद आ जाने हम आप नैक्सट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये थेल सिरम आ गई, इन वीडियोज़ के लिंक जोड़े पिछले सैंपल पेपर ने उन्होंने डिस्क्रिप्शन तुम्हें मिल जाएंगे इस वीडियो का लिंक। तो उस तो बाद हम आप जो ओवर वाला क्वेश्चन उन्होंने देख लें। हाँ जी, 6 मीटर लंबाई का लंबकारी खंभा जमीन पर खड़ा है, तो वह परछावें की लंबाई 4 मीटर है, तो एक बुरज वो परछावें लंबाई 28 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई डी ई है जी आप पता लगानी है। सो सब तो पहला तो जो ट्राइंगल्स ने सिमिलर करा यू आप। हाँ जी, उस जोड़ा है परछावा है ना सूरज का, वो अकॉर्डिंग है, इस करके की होएगा अपने को ट्राइंगल, पहला तो ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ विच की हो जाएगा अपने को एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल सी तो एंगल एफ ए होंगे बराबर,
इस लई यानी कि सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होएगी ट्राइंगल डी ई एफ दे कादे राही एंगल एंगल सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी एंगल एंगल समरूपता। हाँ जी, सो क्योंकि ये सिमिलर हो गई तो इन्हों दियाँ कोरसपोंडिंग साइड्स की रेशियो संगत भुजावां दा अनुपात बराबर होगा, तो उहदे विच आपां की लवांगे एच बटे छे बराबर 28/4 पिछे समरूप त्रिभुजां दियां संगत भुजावां दा अनुपात रेशियो ऑफ कोरसपोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स हुण आ कट्टिया गया 7 ते आ 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा एच बराबर 6 × 7 42 मीटर ए आंसर आ जाऊगा अपने कोल। हाँ जी, इस तो बाद जड़ा वाला क्वेश्चन आ किसी फैक्ट्री के 50 मजदूर वाला, ये भी पहले सैंपल पेपर से फस्ट सैंपल पेपर जिन्हों आप सोल्व कर लिया हो, मैं वह लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च, तो ये जाला सेम क्वेश्चन फस्ट सैंपल पेपर से ये आप ऑलरेडी किए हुए, सो ये उस वीडियो के देख के कर सकते हो। सो ये नाल ही जेड़ा तुहाडा फिफ्थ सैंपल पेपर सी, हाँ जी फिफ्थ सैंपल पेपर उसका सोल्यूशन हुंदा है कंप्लीट। उम्मीद है क्वेश्चन तुहानू समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। वीडियो नू लाइक करना, कमेंट करना ते शेयर जरूर करना अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स के नाल। जल्दी मिलते हैं किसी होर वीडियो के।